आंटी मिल गई हमें, कह रही कि ना मुझे कहीं ड्रॉप कर दो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दादी है मेरी, ये ना दादी की एज की, लेकिन मैं समझाऊं कैसे इनको कि इस पे बैठ नहीं सकते। है यार पर बनू ना, कुछ भी होने करूँ कोशिश, अगर बनू मैं इनसे कह रहा हूँ कि इस पे नहीं बैठ पाओगे आप, लेकिन ये कह रहे मेरे को दर्द है टांगों में तो मैं चल नहीं पाती। सारे देख रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं आपको। घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है, अगर आपको कुछ भी हुआ तो बात तो मेरे पे आएगी। लड़की को नहीं लेके जा सकता अपने साथ, तो मैं इसको अपने साथ गांव जरूर लेके जाना था। तो भाई अभी इसका मूड ऑफ है भाई। तो गाइस आज के इस ब्लॉग की शुरुआत सीधा करते हैं भाई कार वॉश से। जैसे कि कल आपको पता, हमने एक छोटा सा ना ऑफ रोड किया था, उसकी वजह से मेरी बाइक पूरी गंदी हो रखी है। चेक करो, ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, इसके अंदर से मारते हैं, जो इसमें रेत होती है ना वो निकल जाती है। पैड की बात कर रहा हूं, ये देखो गरम, देखो कैसे हो रही, धुआं निकल रहा है, देख रहे हो? ये देखो कैसे हीट अप हो रहे भाई, आगे हेडर जो होते ना वो हीट अप हो जाते हैं, तो देखो कैसे हीट अप हो रही भाई। मेरा ना कैमरे आगे से भाई पूरा खराब हो रहा है, देख रहे हो कैमरे के सामने ना पूरी फॉग बन गई, देख रहे थे आप? वो भाई बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है यार, देख रहे हो भाई? गलती तो नहीं कर दी यार भाई? ये सारी गलतियां होती है, इंसान लापरवाही करता भाई। ये कंपनी ने भी ऑलरेडी मेरे को मना किया था बंदों ने कि भाई रेडिएटर पे ज़्यादा प्रेशर से पानी नहीं मारना, लेकिन बंदे को ध्यान नहीं ना रहता, अगर ये ख़राब हो जाएगा भाई, आपको पता है 1,00,000 रुपये का इसका रेडिएटर है नीचे वाला साइड। मैं इतना परेशान हो गया, लेकिन अभी धुआं बंद हो गया पूरा, देख रहे हो? अभी मतलब धुआं नहीं आ रहा है यहाँ से, मतलब सूख गया वो तो। 94 डिग्री सेल्सियस सामने आगे टेम्परेचर है। आंटी मिल गई हमें, कह रही कि ना मुझे कहीं ड्रॉप कर दो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दादी है मेरी, ये ना दादी की एज की, लेकिन मैं समझाऊँ कैसे इनको कि इस पर बैठ नहीं सकते। है यार पर बनू ना, कुछ भी होने करूँ कोशिश, अगर बनू मैं इनसे कह रहा हूँ कि इस पे नहीं बैठ पाओगे आप, लेकिन ये कह रहे हैं मेरे को दर्द है टांगों में तो मैं चल नहीं पाती। इन लुड़ गई तू बस, मैं इन्हें समझा भी रहा था कि इस पे नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन दादी की एज के हमें मना भी नहीं कर सकता। मैंने बोला कोई बात नहीं चढ़ो, मैंने इनके एप्पल्स ना ये इसके साथ रखे लेफ्ट में। हाँ जी आमीन आमीन, दादी दुआ कर रहे हैं। सारे लोग लड़कियां मेरे को घूर घूर के देख रही है। क्या दादी आपकी एज कितनी होगी? उम्र कैसा है? 70 80। अगर ये थोड़ा भी गिर जाएंगे ना बाइक से तो मतलब प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाएगी, क्योंकि मैंने इनको बिठाया रिस्क लेके। अब मैं मना भी नहीं कर सकता, इन्होंने मेरे को बोला मेरी टांगों में दर्द है। मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स भी नहीं बैठते इस बाइक पे, इतनी ऊंची है बैक साइड से। ऐसे अकेले बाहर नहीं निकला करो ना, मतलब कोई साथ होगा तभी जाना चाहिए, इस उम्र में ऐसे नहीं निकलते बाहर। है साथ कोई नहीं लड़के, देख रहे हो? सारे लोग गाड़ियों से ना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मैं तो गाड़ी चलती ही नहीं है, महंगा है ऑटो वाला। कितना लेता है? 200 रुपए। गिरना नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, पहुंचा देंगे। सारे देख रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं। श्वेता भी कॉल पे कॉल किए जा रही है यार। हेलो, हाँ यार, मेरे को एक दादी मिली हो, दादी की एज के ही है, मेरे साथ पीछे बैठे हो, मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे चुवादी वाली साइड। रुको, चले गए अभी, रहने दो मैं पहुँचा देता हूँ। हाँ अरे बैठ गए, कहते हैं कहीं ड्रॉप करो मेरे को। मैंने बोला अब क्या करूँ, अब गिरेंगे तो नहीं, देखो पीछे गिरेंगे तो नहीं। हैं पीछे करो, कैसे कर बताओ? हो ना पीछे हो जाओ थोड़ा, पास के जरा पास नहीं रहो, आराम से। हैं अब ठीक है? बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सारे लोग शौक हो गए हुए हैं, ये चल क्या रहा भाई? तो बैठे हो ना, आपको घर पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है, अगर आपको कुछ भी हुआ तो बात तो मेरे पे आएगी है ना। अरे ऐसी बात नहीं है, आराम से पहुंचा देंगे। यहाँ खड्डा है, क्या बताऊं मैं भाई, क्या मुसीबत में भी फंस गया। उनको बोल देता ड्रॉप करने के लिए, उनके पीछे भी दो बंदे बैठे हुए हैं यार। गाड़ी वाले भी रुकते नहीं है, एक एक गाड़ी है इनके पास, तो ये रुक नहीं सकते क्या? रुका हुआ गाड़ी वाला आ रहा है वहाँ से, उसको बोल देते हैं रहने दो, पता नहीं ये भी चले गए। पकड़ के रखना, आराम से हिलो नहीं। तो बहुत दूर पहुँच गए हम, पता नहीं कौन सी जगह है, नाम क्या है जगह का? पलाका। अच्छा पलाका है। सुपर बाइक भी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कॉज में ना भाई, कंटिन्यूसली पहले और दूसरे गियर में। हाँ
इधर आगे आप किधर रहते हो? मैं इधर ही बठिंडी रहता हूँ। मैं 100 डिग्री हो गए, देख रहे हो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अप कर रही है भाई। टांगों से ना ऐसे गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा हीट अप हो रही है ना बाइक मेरी। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, साइड इस वाली साइड उधर, इस वाली साइड उधर की बेटी है आंटी। अच्छा अच्छा छोटू उतारो जरा इनको, ये हाइट ऊपर है ना, आराम से मत गिर जाए। आपको पता है दादी ने ना मेरी अपनी रियल वाली दादी की याद दिला दी, जिनकी डेथ ना भाई 1 साल पहले हुई है भाई। मतलब आज वो दिन ना भाई ऐसे ताज़ा हो गया और दिल को भी अच्छा लगा। पता नहीं मुझे तभी इनके साथ इतनी बॉन्डिंग सी होगी कि भाई मैंने इनको घर ड्रॉप कर दिया। और इतनी एज भाई आपको पता है 70 ईयर्स इन्होंने एज बोली, मैंने तब भी घर ड्रॉप कर दिया यार। मेरे को वो इमोशंस आया कि उनके पास भी एक छड़ी हुआ करती थी जिसको वो पकड़ के ऐसे चला करते थे। तो आज वो इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें ताज़ा कर दी ना इन्होंने, तो इनकी वजह से मेरे को कुछ बहुत ऐसा दिल को कुछ हो गया भाई। और आपको पता है अभी 7-8 किलोमीटर में अंदर चले गए यहाँ से, जो अंदर जो है ना भाई इनका एरिया, अपनी कुछ मेमोरीज होती हैं। ऊपर वाला हमें टेस्ट करता है कि क्या हम उनमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। करते हैं कॉल श्वेता को, मैं मुझे नहीं पता मैं कैसे मनाऊं उसको भाई, वो इतना नाराज हो गई होगी कॉल, आधा घंटा मेरे को लग गया। तो चलो अब उनको पूछते हैं कि कहाँ पे तू सामने बैठी है यहाँ पे। हेलो ऊपर चढ़ा दूँ क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊँ तेरे को भी, स्टोरी भी नहीं समझा पाऊंगा। तुम्हारी तो रोज की न्यूज़ स्टोरी होती है ना। अरे स्टोरी नहीं है यार, क्या बोलूँ। एक अरे एक ओल्ड दादी थी, उनको मैंने घर ड्रॉप कर दिया यार। बहुत एज थी, 80 एज थी, छोटी साथ में छोटी भी रखी हुई है। यार एक तरफ बैठी है बड़ी मुश्किल से, मैंने इनको बोला कि मैं नहीं चढ़ो इस पे गिर जाओगे। फिर जबरदस्ती घर से मेरे उधर चुहा दिया, अंदर छोड़ने गया मैं 10-15 किलोमीटर पीछे। अभी चलते हैं यहाँ से वे मॉल में भाई, कुछ खाते पीते हैं, कुछ मन कर रहा है बैठने का भाई। वे मॉल में पार्किंग का पता नहीं क्या सीन है यार, यहाँ पे जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे पार्क करके रखे यहाँ पे। गाइस मैं ये रेडिएटर तुम्हें दिखा रहा था, ये देखो भाई अभी ना भाई ठंडा हो गया। देखो वो लाइव चल रहे थे, मैंने इनको बोला था कि मेरी उनसे बात करवाना, तो कहते करवाऊंगी, तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं करा। नहीं यार बहुत सारे डीएम आते हैं ना, मतलब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके साथ मैं बात को तो फिर याद रहता है। मैंने ये करना था कि आपका ब्लॉगिंग करनी थी, स्टार्ट में भी करता हूं। कोई बात नहीं, बनाओ यार ब्लॉग बनाओ, कोई मसला नहीं है। मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं ऐसे यार, मतलब चाहते हैं मिलना या डीएम करते हैं, बहुत सारे मेरे बंदे बाहर के भी सपोर्ट करते, लेकिन यार सबके साथ बात करने का वो टाइम नहीं मिलता है। चलो यार आप सब लोगों के साथ प्यार बहुत ज़्यादा है, चलो आप सपोर्ट किया करो अपने भाई को। आग लगी। तो लड़की को गाने दे, वो उधर गा रही है, वो देख देखना कैसी कैसी, कभी बोलती है भाई बाइक को आग लगे, कभी गर्दन टूट जाए। ये गांव वाली अच्छा, मैं हूँ ही गाँव का, मैं तो बोल रहा हूँ मैं हूँ गाँव का। तो गाइस अभी हम यहाँ पहलवान आए थे, आई थिंक ना मैं लास्ट टाइम यहाँ हूँ, तो मैंने कल चले जाना, इसका मूड भी थोड़ा ऑफ है भाई पीछे। तो ये चेक करो, ये मैंने अपने लिए ना खाना मंगवाया था, ये अपने लिए क्या मंगाया मुझे नहीं पता, आलू के पराठे मंगाए भाई। ये लास्ट टाइम है कि मैं यहाँ इसके साथ बाहर आया हूँ, तो कल मुझे चले जाना है यहाँ से, ठीक है, अपने गाँव के लिए। गाँव के लिए जा रहा हूँ ना, शादी है मेरे फ्रेंड की, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं लास्ट टाइम मिल गया, मतलब 4-5 दिन के लिए मैं भी चले जाऊँ, देखता हूँ इसको लास्ट बोलते हैं, मतलब लास्ट नहीं कहना, मतलब कहने का मतलब है कि जा रहा हूँ अब, कॉज वहाँ भी नाराज हो जाएंगे हमारी ना, बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह हैं वहाँ, फैमिली की शादी है फ्रेंड की, मतलब क्लोज फ्रेंड बचपन से साथ थे, मतलब पढ़ा बचपन से, तो इसलिए जाना ज़रूरी है। इसका मूड मुझे पता है ख़राब है, अब इन 4-5 दिन अपना ख्याल रख तो आराम से। मैं नहीं चल सकती। तू नहीं चल सकती यार, मतलब वहाँ की सोसाइटी ठीक नहीं है भाई, अब से गाँव के लोग होते हैं ना भाई, लड़की मेरे साथ जाएगी तो लोगों वाली बात मन नहीं है लेने का। अरे लोग वहाँ अलाउ नहीं ना करेंगे, बोलेंगे लड़की साथ है। मेरे फैमिली भी इतनी मतलब एडवांस नहीं है कि मैं तेरे को अपने साथ ट्रिप पे बाहर लेके जाऊँ और हम बाहर रहें, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी ये खाते हैं, तो अब 4-5 दिन आराम से रह, अपना ख्याल रखना। दिवाली पे भी यहाँ पे नहीं रहोगे? दिवाली पे चले जाऊँगा मैं, हमेशा ऐसे होता है, जिस दिन इसका बर्थडे था तब भी मैं चले गया था कहीं, आज फिर मेरे फ्रेंड की शादी है तो मुझे जाना पड़ेगा शायद, देखते हैं लेट्स सी क्या रहता है, तो वही बताएंगे। अभी खाना खाते हैं यहाँ से, लड़की को नहीं लेके जा सकता अपने साथ ही, तो मैं इसको अपने साथ गाँव ज़रूर लेके जाना था, तो
भाई अभी इसका मूड ऑफ है भाई, बात वगैरह नहीं करने का मन इसको। चलो कोई बात नहीं यार, दो चार दिन या पाँच दिन के बाद तो वापस आना है, मैंने यहीं थोड़ी बैठना है। बोलेंगे कुछ बोल रहे हैं पे, डिनर वगैरह हो गया हमारा, अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये चेक करो भाई कितने ज्यादा प्यारा दिवाली पे सारा था ना, मैं किसी की चीजें नहीं उठाता हूँ यार, लिफ्ट पे छोड़ दिया तो लिफ्ट पे खुद आया। चलो मैं नहीं उठाता हूँ बैग किसी का, चलो चलो बोरी बैग उठा यार, तेरा बैग उठा था ला इधर, छोड़ ना सच में उठा रहा, रख दे रख दे रख दे, खुद चलेगा वो, नहीं चलता यार वो, मारा मेरे को देख रहे हो, मार पड़ रही है। और भाई इसने टिकट ही गुम कर दी यार, यहाँ से बाहर जाने पार्किंग के लिए अलग होती है ना, तो वो टिकट होती है वहाँ पे देनी होती है। देखो यहाँ पार्किंग में प्रैंक नहीं ना कर रही है, निकाल यही है, नहीं है ये क्या है, ये कुछ हो रहा है ऐसे ही। यार कैसी लड़की है यार, टिकट दी मैंने इसको फर्स्ट टाइम आया ना। तो गाइस अभी निकलते हैं, हमारे कैमरे की ना बैटरी भी डेड हो गई है, ठीक है? चाचू को भी भाई बोलो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो जम्मू के लोग हैं ना भाई, थोड़ा ना कैमरा शाही है यार, मतलब आप जब दिल्ली वगैरह जाते हो तो लोग आपके सामने ना कैमरे के अच्छे से बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेकिन थोड़ा हेजिटेट करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ थोड़ी मेरे को ऑड लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम शर्मा जाते हैं। हाँ विद पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें भी यहाँ जम्मू में ठीक हो जाएंगी। बाकी यार अभी निकलते हैं, श्वेता को घर ड्रॉप करके आया था, लेकिन यहाँ रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है ना, ये चेक करो आगे तुम भाई, पूरा जाम लगा हुआ है मेन रोड तक, ऊपर तक जो मेन रोड है ना भाई, पूरे लोग कॉज अभी ऑफिस वगैरह से घर जाते हैं ना, तो मैं भी निकल रहा हूँ घर के लिए यार अभी ना, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।